हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब आप सब सब लोग आई अच्छे होंगे और मैं हूं अलका कुछ दिन पहले मैंने वीडियो शेयर करी थी मेरे हेयर कलर को लेकर तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत हेयर कलर है ये और मुझे उस वीडियो पर काफी सारे कमेंट आए जो काफी सिमिलर थे और आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम थी कुछ चीजें आप लोगों को समझ में ही नहीं आ रही थी कि एग्जैक्ट वो है कैसी ये कैसा रहेगा कैसा चलेगा कैसा लगेगा तो मैंने सोचा एक वीडियो ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दू जो आप लोगों को थोड़ा इजी हो समझने के लिए तो आज की वीडियो में हम सारी बातें जानने वाले हैं कि इस हेयर कलर के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा था अगर आप लोग कराते हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है ठीक है तो वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा बट सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा ठीक है मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आपने नहीं देखी है तो आप पहले उसे देख लीजिएगा तो जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो ये था कि क्या ये नेचुरल लगता है तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा अजीब इसलिए लगा था आप खुद सोच सकते हो कि अगर आप अपने बालों पर कुछ एक्स्ट्रा अप्लाई कर रहे हो या फिर कुछ उसको अलग रूप दे रहे हो सबको पता है जो बाल होते हैं नेचुरल ब्लैक होते हैं या ब्राउन होते हैं तो उसके बाद अगर आप उसको रेड करो या फिर गोल्डन करो वो नेचुरल कैसे दिख सकता है वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं दिखता ठीक है एक परसेंट अगर आप ब्राउन कलर कराते हो अपने बालों पर वो थोड़ा बहुत नेचुरल इसलिए दिखता है क्योंकि हमारे जो बाल हैं वो ब्लैक और ब्राउन शेड में ही होते हैं अगर आप इस तरीके से रेड कलर कराओगे या गोल्डन कलर कराओगे तो वो नेचुरल कभी नहीं दिखेगा जैसे आप देख सकते हो हमें आदत हो जाती है सामने वाले को देखने की बट अगर हम खुद से देखेंगे तो हमें पता है कि वो नेचुरल कलर नहीं लग रहा है सेकेंड क्वेश्चन जो मुझे आया था वो ये था कि ये आ, परमानेंट है क्या तो जैसे मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया था कि ये परमानेंट नहीं है और ये आ, कुछ टाइम के लिए आपके बालों पर रहता है और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी आपको कभी भी परमानेंट हेयर कलर अपने बालों पर कराना भी नहीं चाहिए जो आपके लिए बहुत गलत है परमानेंट में इसलिए भी नहीं कहती क्योंकि आपको लुक्स चेंज करते रहने चाहिए और वैसे भी अगर आप कोई चीज परमानेंट अपने बालों पे करा लोगे तो फिर दूसरी चीज ट्राई कैसे करोगे ठीक है ये परमानेंट नहीं है बिल्कुल भी नहीं है और आपको कराना भी नहीं चाहिए इसके बाद जो मुझे क्वेश्चन आया था वो ये था कि क्या इससे हेयर फॉल होता है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी हेयर कलर जब आपको कराना होता है वो कभी भी आपको अपने रूट्स पे अप्लाई नहीं करना होता आप देख सकते हैं कि मेरे भी रूट्स पर नहीं है ये ठीक है यहां से शुरू है नीचे नीचे है तो इसको आपको अपनी जड़ों में नहीं लगाना होता अगर आप जड़ों में लगाओगे तो ये ऑब्वियस है कि वो हेयर फॉल करेगा क्योंकि ये एक तरह का केमिकल है जो आप अपने बालों पर अप्लाई कर रहे हो सी मैंने इसको नीचे नीचे किया हुआ है आप यहां भी देख सकते हो तो ये एक तरह का केमिकल है जिसको आप अपने हेयर्स पर अप्लाई करते हो तो ये हेयर फॉल कर सकता है अगर आप इसको अपनी जड़ों में कर लेते हो ठीक है तो इसलिए जब भी आप कभी बाहर से करते हैं खुद से करते हैं तो आपको जब भी हेयर कलर कराना होता है अपने बालों की लेंथ को कुछ लेंथ को छोड़कर ही आपको हेयर कलर कराना होता है कभी भी डायरेक्ट रूट से अपने हेयर कलर को खुद से मत कीजिए अगर आप खुद कर रहे हैं ना पार्ला में जब आप जाते हो तो उनको पता है कैसे करना होता है तो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा ठीक है फिर हेयर फॉल पक्का होगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास आया था वो ये था कि ये कितने दिन में आपके बालों में से निकल जाता है तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया परमानेंट तो कुछ भी नहीं है बालों में से तो निकलेगा बट ये आपके हर हेयर वॉश पर हल्का हल्का निकलता है बहुत ज्यादा नहीं कहूंगी हल्का हल्का निकलता है मैंने बहुत ज्यादा ज्यादा करा तो उसके बाद भी मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा निकल रहा था हफ्ते में वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी बार हेयर वॉश करते हो जैसे मैं हफ्ते में तीन बार हेयर वॉश करती हूँ इसलिए मेरे बालों से कलर जल्दी निकलता है तीन बार बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है आप सोच सकते हो अगर आप वीक में एक बार हेयर वॉश करते हो तो ये आपके बालों पर और ज्यादा चल जाएगा वरना दो महीने आपके बालों पे आराम से स्टे रहने वाला है इतना ही चाहिए होता है अपना लुक चेंज करने के लिए ठीक है तो अगर आप वीक में एक या दो बार एयर वॉश करते हो तो ये थोड़ी देर में निकलेगा और जैसे आप मेरी तरह वीक में तीन बार एयर वॉश करते हो तो ये एक से डेढ़ महीने में आपके बालों में से निकल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आया था कि इसमें आपके बालों को ब्लीच करना पड़ता है कि नहीं तो नहीं इस हेयर कलर का मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी वरना जब भी आप रेड कलर कुछ करते हो जैसे ये फ्लेम रेड कलर है तो आपको पहले अपने बालों को ब्लीच करना पड़ता है बट इसमें आपको अपने बालों को ब्लीच करने की कोई जरूरत नहीं है डायरेक्ट इस कलर को आप अप्लाई करोगे डायरेक्ट ये आपके बालों पर चढ़ जाएगा ठीक है ये इसकी बेस्ट बात मुझे लगी थी कि इसमें ब्लीच की कोई जरूरत नहीं पड़ती है मुझे कोई ब्लीच नहीं करनी पड़ी थी मैंने डायरेक्ट ही कलर किया था और ये डायरेक्ट ही मेरे बालों पर बहुत अच्छे से निकल के आया था तो इसमें ब्लीच की कोई जरूरत नहीं आपके अपने बालों को ब्लेंड करने की कोई भी जरूरत नहीं है ये बहुत बेस्ट पार्ट है इसका और बहुत पॉजिटिव पार्ट भी है और जो लास्ट क्वेश्चन मेरे पास आया था वो ये था कि हम अपने कौन बालों पर कौन सा कलर करें कौन सा कलर सूट होगा तो मेरे सारे प्यारे प्यारे लवली सब्सक्राइबर ये मैं नहीं बता सकती हूं कि आपके बालों पर कौन सा कलर सूट होगा क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम ये वाला कलर ट्राई किया था मैं हमेशा गोल्डन कलर प्रिफेर करती हूँ मुझे पसंद भी बहुत आता है इसके बाद वो ही करने वाली हूँ बट आप जब तक तो कोई चीज ट्राई नहीं करोगे आपको नहीं पता चल सकता कि आपके बालों पे क्या सूट होगा तो इसलिए मैं बोल सकती हूँ आपको अगर ऐसे ट्राई करना है तो अपने बालों की बिल्कुल नीचे की सैन लीजिए और इस पे करके देख लीजिए तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसे लगेगा कैसे नहीं लगेगा ठीक है तो मैं ऐसे नहीं बोल पाऊंगी कि आपके बालों ऊपर कौन सा कलर सूट होगा वो तो जब तक आप कुछ करोगे नहीं आपको नहीं पता चलेगा ठीक है तो और वैसे बहुत प्यारा कलर है सब पर सूट हो जाएगा बट आ, मैं ये कहूंगी कि जिनकी स्किन टोन थोड़ी सी लाइट है वो ही रेड कलर थोड़ा सा करें तो ज्यादा अच्छा लगता है ठीक है मैं कलर फेस कलर के ऊपर कोई बात नहीं कह रही हूँ बट जो लाइट कलर के लोग होते हैं उन पर रेड कलर थोड़ा सा निकल कर आता है और जो आ, थोड़ी सी डार्क टोन में होते जो सांवले लोग होते हैं उन पर गोल्डन कलर भी अच्छा लग जाता है ठीक है तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा विश आपको सबके सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो मिल गए होंगे तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा बाय